टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील में अंतर्राज्यीय वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में आया है, जिसके पास से लगभग 5 लाख रुपए की 7 मोटरसाइकिलें पुलिस ने बरामद की है। विगत कुछ दिनों से लिथोरा थाना क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिलों की चोरियां हो रही थी, जिससे ये घटनाएं लिथोरा पुलिस सहित एसपी के लिए भी सिरदर्द बन गई थी। जिस पर टीकमगढ़ एसपी प्रशांत खरे ने टीकमगढ़ जिले के समस्त थानों को वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिस पर प्रत्येक थाने के वाहन चोर गिरोह को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसके तहत आज लिथोरा थाना प्रभारी उप निरीक्षक हिमांशु भिंडिया को दो राज्य वाहन चोरों को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है, जिसमें विक्की परवेश वर्मा महादेव गांगले उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मरगुआ थाना लिथोरा तथा उसका साथी अरुण उर्फ बिट्टू पिता ब्रजलाल सिंह ठाकुर 22 वर्ष निवासी गुरसराय जिला झांसी हाल ग्राम दल्लूपुरा थाना लिथोरा जिला टीकमगढ़ से 7 मोटरसाइकिलें जिसकी लगभग कीमत 5 लाख रुपये आंकी गई है। मोहनगढ़ से अध्यक्ष शुक्ला की रिपोर्ट। सर, जो आज खुलासा किया है, क्या कहना चाहते हैं? विगत कुछ दिनों से लिथोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जो मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया था, जिस संबंध में सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत खरे जी द्वारा एक मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जिस टीम के द्वारा आज दो मोटरसाइकिल चोर अरुण उर्फ बिट्टू पिता ब्रजपाल सिंह ठाकुर निवासी गोसराय जिला झांसी एवं एक विक्की उर्फ प्रवेश पिता महादेव गंगेले उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम मरगुआ थाना लिथोरा, ये दोनों चोरों को आज गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की गई, इन्हें पूछताछ पर अभी 2 दिन पहले मरगुआ रोड पर से एक HF डीलक्स मोटरसाइकिल चुराना कबूल किया, साथ ही इसमें पूर्व में इनके द्वारा 6 और मोटरसाइकिल अन्य थाना क्षेत्रों से भी चोरी की गई थी, जो इन्होंने अपने खेत पर एवं अपरवल की पुलिया के पास में छुपा कर रखी थी, उसको चुराना स्वीकार किया एवं इनके पास धारा 27 साक्षर नियम का मेमोरेंडम देख किया गया एवं इनके पास ये 7 मोटरसाइकिल आज जब्त की गई हैं। 7 मोटरसाइकिल कीमत लगभग 5 लाख रुपए है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है एवं इस मामले में अन्य और इनके गिरोह में जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी पूछताछ कर तलाश की जा रही है, जिनके मिलने पर और भी मोटरसाइकिल बरामद करने की संभावना है। सर, कितने आरोपी हैं, कितने फरार हैं? अभी 2 आरोपी हैं, जिसमें इस मामले में 2 आरोपी थे, दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मोटरसाइकिल चोरों से संबंधित जानकारी एकत्रित की गई है, जो मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। अभी 2 आरोपियों के और नाम आए हैं, जिनकी तलाश जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।